जय महाराज जी। अब समझ आया ये मंत्र आपको याद कैसे? ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब कर हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अरे एक बार जोर कर बोलो हरे में सीधा ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है मधुबन। श्री बज्रनाभ ने जैसे जैसे कृष्णा जहाँ पर लीला की है वो लीला के अनुरूप उन्होंने ये सब नामकरण को करवाया। अभी प्रश्न है ये स्थान का नाम मधुबन नाम क्यों पड़ा है? बोले कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब होता है जिसने मधु दैत्य को वध किया। वह असली जो मधुसूदन है भक्तों का प्रेम रूपी मधुओं को जो आस्वादन करते हैं इसलिए उनका नाम मधुसूदन नाम है। इसलिए इसी वन का नाम है मधुबन। अभी प्रश्न होता है भैया असली मधु क्या है? मधु कहते हैं किसको? इसलिए शास्त्र में बताए साध्वीमाधिक न चिंता भवती सरकरे कर्कशासी। इसलिए बिल्लो मंगल जी कहते हैं बोले जब तक हमें कृष्ण भक्ति मधु को आस्वादन नहीं करते हैं तब तक ये जगत का मधु को हम मधु कहते हैं। लेकिन अगर राधा कृष्ण का प्रेम रस एक बूंद भी अगर किसकी आस्वादन की विषय हो तो जगत का जितने मधु है कहते मधु कहाँ पर है? कहते कहते साध्वी माधी का मधु कहाँ पर है? बोले अब्धौ विधौ मधु मुखे खणिनाम निवासे। कहते एक मधु है कहते कहाँ पर? बोले समुद्र मंथन से एक अमृत मधु निकला। बोले भैया असली मधु वो भी नहीं है। दूसरे मधु कहते स्त्रियों की अधरामृत में एक मधु है जिसको पति आस्वादन करते हैं। बोले भैया अगर वहाँ मधु होता तो प्रिय पति मरता क्यों? कहते जिंदा ही रहता। एक मधु कहते चंद्रमा में कहते अगर वो मधु होता तो फिर खय क्यों होता है? भैया इस मधु मधु नाम से जो होता है। बोले असली मधु कहाँ पर है? बोले कंठे बहति सदा भगवत जनानाम। असली जो मधु है कृष्ण भक्ति ही जो कि संतों की कंठ में जो मधु रहता है वो असली मधु है। इसलिए पिता गौर प्रेमानंद इसलिए जो असली जो मधु है इसलिए श्री बल्लभाचार्य एक मधुराष्ट्र को लिखते हैं कहते अधरंग मधुरम बदनंग मधुरम आसितंग मधुरम चरितंग मधुरम हृदयंग मधुरम गमनंग मधुरम माधुरा देवते राजिलंग मधुरम। इसलिए जो असली मधु है भगवान की प्रेम मधु है। उनकी चलना भी मधुर देखना भी अधर मुख सब मधु ही मधु है। इसलिए जो असली मधु है कहते विशेष करके तीन मधु है जितने भी मधु बहुत है कहते इनके एक सखे रस का मधु एक बात्सल रस का मधु और एक श्रृंगार रस का मधु। कहते ये तीन मधु कहते ये जितने सारे मधु है वो सारे मधु यहीं पर प्रकट होते हुआ है। इसलिए
विशेष करके यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर सख्य रस का मधु, कृष्ण यहीं पर उन्होंने सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए आते थे। जब आते थे अभी जो कुंड दर्शन किया है, कभी ये मधुसूदन कुंड भाई, ये कृष्ण कुंड है। कृष्ण इसी कुंड में बड़े सुंदर सुंदर कमल का फूल खिला रहता था, राजहंस क्रीड़ा करते थे, चारी तरफ में सुंदर पुष्प वाटिका अद्भुत ये श्री यहाँ पर विद्यमान। कृष्ण जब यहीं पर आते थे सखाओं के साथ में, इसी कुंड में ही ये गैया को पानी पिलाया करते थे। चू चू मतलब क्या, धीरे धीरे पानी पियो, नीरी नीरी मतलब जल पियो, धीरी धीरी मतलब जो शब्द के द्वारा धीरे धीरे उतरो, इसलिए इस सब शब्दों के द्वारा इसी कुंड में क्या करते थे, गैया को पानी पिलाया करते थे। और यहाँ पर कहते सत्य त्रेतय और द्वापर और कली, ये चार युग का लीला ठाकुर जी यहीं पर किए हैं। बोले सत्य युग में हम लोग जाएंगे अभी, यहीं पर मधु वन में ही श्री ध्रुव महाराज जी भगवान की भजन करते हुए उनने 6 महीना में ही उन्होंने भगवत दर्शन किया है। और यहीं पर ही श्री अम्बर सिंह महाराज भी यहीं पर आकर के रहा करते थे, जहाँ पर उन्होंने एकादशी व्रत की। और जिस एकादशी व्रत को दूसरे का दिन जहाँ पर श्री दुर्वासा जी आते हैं और उनको निमंत्रण करते हुए, भले चाहता हूँ संतों को निमंत्रण भोजन करके मैं व्रत को खोलूंगा, जब वहाँ पर गए लेट होने पर उन्होंने ब्राह्मण को परामर्श से उन्होंने व्रत खोला, तो इतने में जब पता चला दुर्वासा जी को, उन्होंने तो अपना जटा को उखाड़ करके कृत्या को निकट की मारने के लिए श्री अम्बर सिंह महाराज को, और सुदर्शन चक्र उनको हर समय रक्षा करता था। क्यों बोले, ये अम्बर सिंह महाराज यद्यपि संपूर्ण ससागरा पृथ्वी का राजा थे, लेकिन वो एकादश इंद्रियों को द्वारा वो भगवान की भजन करते थे। इनकी शरणागति को देख करके भगवान स्वयं ये सुदर्शन चक्र को भेजा था, ये अम्बर सिंह महाराज को तुम रक्षा करना। इतने में श्री यहीं पर श्री सुदर्शन प्रकट होकर के पहले तो राक्षस को वध किया और दुर्वासा को पीछे ऐसे उन्होंने खदड़ाए उनको, कहा ब्रह्मलोक, कहा शिवलोक, यहाँ पर वैकुंठ लोक में भी उनको रहा नहीं मिला। लास्ट में भगवान क्या कहते, बोले साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तुहम मद अन्नति ना जानती ना अहम ते भ्रमनागपि। बोले तुम मेरी कृपा पाने के लिए आए ना, कृपा तो हृदय से होता है, लेकिन मेरे हृदय तो साधु के पास में और साधु का हृदय मेरे पास में। अगर प्यार में कांटा चुभने से वो शहर में थोड़ी निकलता है, वो प्यार में ही निकलेगा। जाओ तुम अम्बर सिंह महाराज के चरण में शरणागत हो जाओ, क्योंकि जिन लोगों ने अपना स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ परित्याग करके जो मेरे शरण में आए हैं, भले मैं कैसे उनको त्याग कैसे कर सकता हूँ। इसलिए ये स्थान भी यही स्थान सत्यजीव का लीला। त्रेतया युग में यहीं पर लवणासुर मधु दत्त के बेटा लवणासुर रहता था, वो इतने प्रतापी था, उनको पिताजी शंकर जी को प्रसन्न करते हुए एक त्रिशूल को उन्होंने प्राप्त किया था। शंकर जी ने कहा था जब तक तुम्हारे हाथ में त्रिशूल रहेगा दुनिया में तुम्हारी बाल बाल भी कोई बांका नहीं कर सकते हैं। इसलिए वही त्रिशूल उनका बेटा किसको पास में, लवणासुर को पास में आया और असत संग से ये दुष्ट बन गया और इतने वहां पर उन्होंने अत्याचार की, उन्होंने हाहाकार मचा दिए। और हमारे श्री मांधा का राजा भी कोशिश किया उसको मारने के लिए, लेकिन हाथ में त्रिशूल है इसलिए कुछ नहीं कर पाए, मांधा का राजा ही मारा गया। पर यहाँ पर जब पता चला भगवान राम अयोध्या में, तब सारे साधु संत भगवान राम को पास में गए, बोले प्रभु ऐसे ऐसे दैत्य पूरा टहलका मचा करके रखा, आप कृपा करो। तो इसी समय में श्री शत्रुघ्न जी ने कहा, बोले प्रभु लक्ष्मण आपके साथ में 14 साल तक जंगल में रहा, वो भी सेवा की। भरत भी आप जब वनवास में गए वो भी बलकल जटाजुट को धारण करते हुए उन्होंने भी आपकी सेवा किया, लेकिन ये अधम शत्रुघ्न केवल सेवा से वंचित रह गया, इस सेवा को मुझे प्रदान करो। बोले ठीक है बेटा जाओ, लेकिन उसको मारना बड़ा कठिन है,
जब तक उसका हाथ में त्रिशूल रहेगा उसको कोई भी नहीं मार सकते हैं। लेकिन वो जिस समय वो जाता है शिकार खेलने के लिए उसको साथ में ये त्रिशूल नहीं रहता है, उसी समय तू दरवाजा पर खड़े हो जाना। वो बोलेगा अंदर में जाना चाहता हूँ लेकिन घुसने मत दिया करना है। बोले प्रभु भगवान राम उसको राज तिलक लगा दिए क्योंकि ये मधुबन उजड़ गया था, पुनः मधुबन का राजा तुम बनना। बोले आपके के विरह में मैं कैसे प्राण धारण कर सकता हूँ, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। उनको पास में श्री बराह देव थे। बोले ये बराह देव मेरा ही स्वरूप है, ये बराह देव को तुम ले लो। अब जो मथुरा परिक्रमा में श्वेत बराह और कृष्ण बराह अब दर्शन किए होंगे उसी बराह देव को लेकर के आए और यहीं पर उन्होंने ये लबड़ा स्वरूप तृतीया युग में यहीं पर बंद किया। बोले द्वापर युग की जो लीला है कृष्ण यहीं पर गैया चराने के लिए कृष्ण यहीं आया करते थे। जब यहाँ पर आते थे उसी समय में श्री गोपी गीत में कहते हैं बोले त्रुटि जुगायते स्वांगम गोतलम श्रीमुखम चते चरौ दीक्षताम पास्मके इदृशाम कोटि लगो सलाम श्रीमुखम चते। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते हुए कृष्ण वापस आते थे बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसी ध्वनि करते थे। जिस बंसी ध्वनि को सुन करके ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करने के लिए आती थी। जब दर्शन करने के लिए आती थी जब कृष्ण को दर्शन करते हैं उसी समय में उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुखारविंद कैसे। बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान की मुख कमल जैसे और वहां पर जैसे उनको जो घुंघराली केस है मानो जैसे भौंरा बैठे हैं और जो गैया की खूर से जो धूल उड़ा हुआ लगता है जैसे हम लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं ना वो ऐसे लग रहा था। और गोपियां जब कृष्ण को दर्शन करती हैं दर्शन करते समय वो आंखों का जो पलक झपती है पता नहीं चलता कितने जल्दी, लेकिन उतना समय को भी गोपियां कहती हैं मानो ये ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। कृष्ण को दर्शन करने के लिए दो ही आंख और फिर बीच बीच में ये पलक झपता है। भैया वही रस्सी के व्यक्ति ये पलक को काट कर फेंक दो हैं, पलक काट कर फेंक दो वही रस्सी के व्यक्ति है। इसलिए पलक झपते के लिए त्रुटि जुगायते द्वांग बसताम। बोले हे प्रभु जब एक पलक झपती है ऐसे लगता है मानो करोड़ों काल तक कृष्ण को हमने दर्शन नहीं किया है। इसी भाव से गोपियां कृष्ण को दर्शन करती थी। और यहीं पर इस जो बन है हमारे सूरदास जी, अब नाम सुने होंगे सूरदास जी, इनका भी भजन है। बोले कभी एक समय मैया जसोदा को ब्रज गोपियां जाकर के शिकायत करती हैं। बोले मैया लगता है ये गांव छोड़कर और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों क्या हो गया। बोले तेरे जो लाला है ना हमारी घर घर में तुम्हारी लाला ये मक्खन चोरी करता है। बोले मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी है जो कि मेरे लाला तुम्हारी घर घर में ये मक्खन चोरी करेगा, मेरे कोई विश्वास नहीं होता है। इतने में श्री मैया जसोदा बोली बोले कन्हैया लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों मैया मेरी शादी नहीं होगी, जगत में जो सब काम करते हैं सब शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, घर मकान क्यों बनाता हो, नौकरी चाकरी क्यों करते हो, इसलिए करते हो केवल शादी की चक्कर और कोई चक्कर नहीं। शादी बढ़िया घर में, शादी घर में कोई छोरी आ जाए बढ़िया, इसलिए सब कुछ करते हैं। मैया बोले तेरे शादी नहीं होगी। बोले कैसे। बोले देख ये ब्रज गोपी खड़ी होकर के तेरे की शिकायत करते हो तो घर घर में मक्खन चोरी करते हो। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दो ना मैया को पूरा विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। क्या कृष्ण गजब की उन्होंने उदाहरण दिया जिसको सूरदास जी अपना दिव्य नेत्र से ये लीला को दर्शन करते हुए कहते हैं। बोले क्या कह रहे हैं। बोले मैया मोरी मैं नहीं मान लगायो
ये मधुबन का नाम यहाँ पर मेंशन करते बोले मैया मरी मैं नहीं माखन खायो, बोले कैसे, बोले चारी प्रहर माधो बन भटको सांझ परो घर आयो न मैया मरी मैं नहीं माखन खायो न मैया मरी तीन भर मैंने मधुवन में गैया चराने के लिए तुमने मेरे को भेज दी। चार ही प्रहर मधुवन भटको सांझ पड़ घर आयो, शाम को शाम में घर में आया और रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं रात भर? हाँ बेटा, बोले दिन भर गैया चराया आज रात भर तेरी गोद में सोया, बताओ मैया फिर मैंने मक्खन कब चोरी की? बोली क्यों सखा लोग तेरे नाम पर शिकायत करते हैं, ये क्यों शिकायत करते हैं? बोले मैया ये सखा लोग इतने दुष्ट हैं, खुद तो मक्खन खाते हैं और मेरे नाम पर बदनाम करते हैं और बरबस मुंह लपट आयो, वो जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन को लगा कर कहती कन्या मक्खन खाई तू बड़ी बोरी भारी, इनकी बात में जल्दी तू आ जाती और मेरे ऊपर तेरे विश्वास नहीं लगता है। मैया मैं तेरे लाला से याद है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक कर गया था, तुमने वहां से उठा कर लाए और मेरे को पालन कर रहे हो। भाई इतना बोलते ही मैया का हृदय एकदम पिघल गया, प्रेम में गदगद हो गया। जब गदगद हो गया इतने में कृष्णा फिर उसको बदला देते हैं, क्या बदलाते हैं? भले मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैया मोरी तेने माखन खायो। मैया का दिल पिघल गया ना, सुन कन्हैया मोरे ते नहीं माखन खायो। अब कन्हैया क्या कहता है? इसलिए कहते इतने में कन्हैया बोलते फिर कहते जो लीला है ना यहीं पर ठाकुर जी ने ये लीला को कृष्ण यहीं पर की है, हैं यहीं पर ही कृष्ण जब गैया चराया करते थे ब्रज गोपियां अपना दिव्य नेत्र से प्रभु को लीलाओं को दर्शन करते हुए बड़े सुंदर रूप में कृष्ण की मधुरता को रूप को सुंदर रूप में वर्णना करते थे। बले बरहा पिड़म नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिसयम वैजयंती चमालम रंध्रायन वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। बड़े सुंदर रूप में कृष्ण पर रूप को वर्णना करती थी। इसलिए ये द्वापर युग में बोले कलि युग में जब यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु यहीं पर जब उन्होंने आए ये स्थलियों को दर्शन करते करते ब्रजर कान्हाई गौर बला और बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप में उन्होंने यहीं पर गोचारण किया था। यहीं पर बलदेव प्रभु आकर के नित्यानंद प्रभु आकर के आ कन्हैया हा कन्हैया तुम कहाँ हो करते करते यहीं बेहोश हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई अभी ब्रज का कन्हैया अभी नदिया की निमाई बन करके आए हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे जितने सब आचार्य सब के सब यहीं पर आए
वल्लभाचार्य रामानुज मध्व विष्णु स्वामी बार्क ये सब के सब यहीं पर आए और उनके अनुगत में प्रभुपाद भी आए, उनका अनुगत में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके अनुगत में श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज, और इनके अनुगत में तीरथ महाराज, माधव महाराज, बन महाराज, और हमारे श्री रामचंद्र प्रभु समस्त वैष्णव लोग यहाँ पर आए। मतलब की जो स्थान है अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भगवान की बहुत सारी लीला है। अभी माधव महाराज बोल रहे थे जो बलदेव प्रभु यहीं पर, हर बलदेव प्रभु तो गोरे हैं लेकिन यहाँ पर काले हैं, क्योंकि जिस समय बलदेव प्रभु ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए, इन्होंने कहते कृष्ण चिंता निवेशन जस्य कांति विलोपिता, इसलिए कृष्ण चिंतन करते करते बलदेव प्रभु यहाँ काले विग्रह रूप में यहाँ पर है, इसलिए बहुत बहुत लीला स्थली है। हम प्रणाम करेंगे, यहाँ का धूल का शरीर पर लगाएंगे, एक दिन हमारे हृदय पवित्र हो और भगवान की जो दिव्य लीला है हमारे हृदय में एक दिन फूर्ति बात हो। पंचाकल गुरुभ्य कृपा सिंधु वैष्णव।